सभी धर्मों के अलग अलग कानून हैं, लेकिन इस पे अब विचार किया जा रहा है, क्योंकि सभी धर्मों के कानून एक जैसे होने चाहिए, ऐसा हमारे गृह मंत्री अमित शाह का मानना है, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो चुकी है। जी हां, इसी को मद्देनजर रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के बिल को पास कर दिया गया है। अभी तो इस कानून की शुरुआत है, अभी इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। अभी तो इस कानून की शुरुआत एक राज्य से हुई है, अभी तो ये कई राज्यों से होकर गुजरेगी। अब जाहिर सी बात है कि कुछ कानून बदले हैं तो किसी न किसी धर्म के लोगों को दिक्कतें तो आनी ही थी। अब देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड में विरोध शुरू हो गया है। यूसीसी बिल को सदन में पेश होने से पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में मुस्लिम संगठन सड़क पर आकर उतर गए हैं। हालांकि अधिकतर लोगों का यही मानना है कि इस कानून से सभी का भला होगा। कानून ने सभी धर्मों को मद्देनजर रखते हुए और सभी लोगों के बारे में सोच विचार करके ही बनती है। इसमें विरोध जैसी बातें तो होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आखिर यूसीसी क्या है, आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता वो कानून है जिसमें हर धर्म को मद्देनजर रखकर एक ही कानून बनाया जाए, और इसकी शुरुआत उत्तराखंड राज्य से हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने राज्य के लोगों से एक वादा किया था कि वो यूसीसी बिल को आने वाले दिनों में पारित जरूर करवा देंगे, और आखिर उन्होंने ये कर दिखाया। उत्तराखंड के लिए विधानसभा में यूसीसी बिल को 6 फरवरी 2022 को पेश कर दिया गया था और इसको 7 फरवरी 2024 को पारित कर दिया गया। देखिए, अगर किसी के क्राइम करने पर किसी के धर्म अनुसार सजाएं नहीं मिलती, उसे भी समान तरीके से ही सजाएं दी जाती है जो हर किसी को दी जाती है। उसी प्रकार जितने भी व्यक्तिगत कानून है उसमें भी समानता होनी चाहिए, ऐसा सरकार कहती है। आर्टिकल 44 कहता है कि यूसीसी जरूरत पड़ने पर कभी भी लागू किया जा सकता है, यानी जब राज्य की सरकार को ऐसा लगे कि उन्हें भी ये कानून लागू करनी चाहिए, यानी जब राज्य की सरकार को ऐसा लगे तब उस राज्य की सरकार इस बिल को पास कर सकती है। ये सभी बातें आर्टिकल 44 के अंतर्गत आती है। हालांकि गोवा में पहले से ही यूसीसी पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया गया था, लेकिन अब तक इसके लिए कोई भी बिल या एक्ट मौजूद नहीं है। अब आइए जानते हैं कि आखिर किस तरह के कानून यूसीसी के अंतर्गत आती है और इसका क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं। अभी तलाक, विरासत और गोद लेने के मामले में विभिन्न धर्मों की अलग अलग व्यक्तिगत कानूने थी, लेकिन यूसीसी के तहत एक ही कानूनों को लाया जाएगा जो कि सभी धर्मों के लिए समान होगा। निकाह हलाला पे भी रोक लगा दिया जाएगा। निकाह हलाला का मतलब है कि अगर पति और पत्नी में तलाक होती है और फिर उन्हें साथ में रहना है तो उस औरत को फिर से एक शादी करनी होती है और फिर उससे तलाक लेनी पड़ती है, तभी वो पहले वाले पति के साथ रह सकती है, जिसको कि ये कानून गलत ठहराती है। तो इसमें इस कानून के तहत रोक लगेगी। अभी नाजायज रिश्तों की वजह से जन्मी संतान माता पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं जता सकते हैं, लेकिन यूसीसी कानून के अंतर्गत इसमें बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति पर हक जता सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, ऐसा कानून कहता है। लिविंग रूम में रहने वाले जोड़े को पंजीकरण कराना होगा, अभी ये जरूरी नहीं है, लेकिन यूसीसी के अंतर्गत लिविंग रूम में रहने वाले को पहले पंजीकरण कराना बेहद ही जरूरी होगा। लिविंग का मतलब होता है कि शादी से पहले जब एक लड़का और एक लड़की साथ में रह रहे हों। अब कई लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि हर एक धर्म का अपना अलग अलग रीति रिवाज है, तो कहीं ये कानून इस पे तो खलल नहीं डालेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपकी सोच ही गंदी है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कानूनों को एक दिशा को देखकर नहीं बनाया जाता, इसे कई दिशाओं को देखकर बनाया जाता है या लागू किया जाता है। नागरिकों के खान पान, पूजा इबादत, वेशभूषा पर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके अलावा अगर किसी की कृषि भूमि है और किसी के दो बच्चे बेटा या बेटी है तो कृषि भूमि समान रूप से बटेगी। तो ये थी यूसीसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलते रहे। तब तक के लिए गुड बाय।